डाउन हो जाओ ना सतेंद्र, घूम थोड़ा नीचे ले सतेंद्र। मैं सीलिंग किया था, दैट डजंट मीन कि मुझे वही करना है, राइट? अभी आई एम वर्किंग हार्ड, सो आई वांट पीपल टू सी दिस फिल्म। अरे सुंदर फोटो कुछ करना है तेरे लिए, लेना यार बिल्कुल ले रहा है। रोल 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 ठीक है रखो लगा लेना हट तो The journey of Karma, एक 18 साल की लड़की की कहानी है, जहाँ पे मैं ये 18 साल की लड़की का किरदार निभा रही हूँ। और मैं 18 साल इसलिए बार बार मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मैं 26 साल की हूँ, एक्चुअली 20 साल की। सो जैसे कि कहानी का नाम है द जर्नी ऑफ कर्मा, कर्मा की जर्नी, उसकी अप्स एंड डाउन्स, उसके लाइफ में जितने हर्डल्स, उसकी लाइफ में जितनी प्रॉब्लम्स, उसकी लाइफ में जितनी खुशियाँ, बहुत कुछ है इस कहानी में। बिन बाप की लड़की है, स्लम्स में रहती है, बहुत गरीब है, उसके पास पढ़ने लिखने तक के पैसे नहीं हैं। एंड किस तरीके से उसकी मॉम उसको आगे बढ़ाना चाहती है और चाहती है कि यू नो इसकी लाइफ अच्छे से सेट हो जाए। एंड ये इतने कोई इतनी छोटी स्लम की लड़की और इतनी इसके, लेकिन उसकी सोच इतनी अगर ज़्यादा बड़ी है, उस पर पूरी निर्भर है ये कहानी। जिस तरीके से शक्ति कपूर जी की बीच में एंट्री होती है एंड और उनकी स्लीज, देर इज़ नो स्लीजीनेस, वो बहुत पावर कपल है। या इट्स अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल लव स्टोरी आई वुड से, शक्ति कपूर जी की और पूनम पांडे की, आई वुड से दैट। ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा रिलेट
I mean, I do relate myself with this character because, like I mentioned before, everybody about me, they all know, you know, that, oh, we know Punam Panday because she posts sexy pictures on Instagram and bahut sare likes or comments milte hain uske piche pe, ya to YouTube video ke liye famous, you know, some stuff that I've done in my life, but bahut hi kam logo ko pata hai that that I've done a lot of hard work to reach where I have reached today. So definitely I do relate myself with the character. Yes, I do relate myself with the character. Film kis tarah se mili aapko, sirf bata sakte hain, aur is film ko choose karne ke piche kuch khaas reason, kyunki har ek cheez mein jab hum kuch bhi choose karte hain to khaas reason hai uske piche, kya khaas reason hai? Well, ye film actually I remember I know them from before, and I think ye log audition le rahe the और भी एक्टर्स का और दे वर थिंकिंग कि ये रोल में कौन फिट बैठेगी एंड एंड आई हैपन टू मीट देम एंड दे वर लाइक व्हाई वी डिडंट थॉट अबाउट पूनम सो हाफ ऑफ देम सेड पूनम फॉर 18 ईयर ओल्ड कैरेक्टर और इसमें एक्टिंग बहुत स्ट्रांग है आई डोंट नो इफ शी वुड बी एबल टू पुल इट ऑफ तो ये मुझे न्यूज़ मिल रही थी उनसे सुनने में दे वर एक्चुअली सेइंग दिस लाइक नो शी इज़ गुड फॉर द हॉट एंड बोल्ड सेक्सी सीन्स बट आई थिंक इतना ज़्यादा एक्टिंग या दे मतलब पहले ही उन्होंने एक हाँ पहले ही एक दिमाग में बना लिया कि कोई ऐसे पिक्चर्स पोस्ट करता तो वो ऐसे होगा एंड नो बडी हैज़ दिस आइडिया दैट आई हैव डन माई भरतनाट्यम आई हैव डन माई डांसिंग आई हैव डन माई एक्टिंग आई हैव लिटरली कम्प्लीटेड ऑल माई कोर्सेज एंड when they auditioned me when they did my look test they were in shock they were like we did not see Punam Panday so they were more happier than me and that's how it started oh 100% maine isme na I have put too much more mehnat on my acting part because ये तो ठीक है यार हम पिक्चर्स पोस्ट करते हैं वट एवर दैट्स माई पर्सनल लाइफ बिकॉज मेरे फैंस को अच्छा लगता है दे लाइक इट इफ आई पोस्ट दोस काइंड ऑफ पिक्चर्स सो आई डू इट फॉर देम और वैसे भी मैंने अभी तक कोई न्यूड पिक्चर पोस्ट नहीं की है कभी भी नहीं किया और मैं कभी नहीं करूँगी बिकॉज देर इज ऑलवेज अ थिन एक लाइन होती है जो आई डोंट वांट टू क्रॉस दैट सो बट अपार्ट फ्रॉम दोस पिक्चर्स आई वॉन्टेड देम टू ऑल्सो सी माई वर्क कि प्लीज़ आप मेरा काम देखिए और अब फिर मुझे जज कीजिए या एक आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें ये मेंशन था कि शक्ति के ऊपर शक्ति में काम करते वक्त आप ओवर लेवल फील नहीं कर रहे इस बात पे कितना फैक्ट वो जो आर्टिकल आपने पढ़ा बहुत लोगों ने उसको मिस किया है व्हाट आई मेंट वाज I was uncomfortable yes when we were doing kissing scenes do you expect me to be comfortable no he was also uncomfortable so yes we were but theek hai I mean it happened huh? the film is made and everything went well so yeah we just completed iske sath mein bhi clash ho rahi hai saif ali khan ki kitna competition aati hai अरे बिल्कुल भी नहीं सर मैं खुद सैफ अली खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आई डेफिनेटली डोंट सी एनी क्लैशेज लाइक दैट इफ दे वॉन्ट टू वॉच मी दे वुल वॉच मी इफ दे वॉन्ट टू वॉच या इफ दे वॉन्ट टू वॉच हिम आई वुड गो एंड वॉच हिज फिल्म आई लव हिम सो आई वुड पुट इट दैट वे या लव स्टोरी परफेक्ट होती है कितने झगड़े होते हैं आई थिंक सिंगल रहना चाहिए मेरे मॉम डैड जैसी दे साल से उनको साथ में अभी भी देख रही सुबह 6 बजे उठ के भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उतनी प्यार चलते हैं हाउ इज इज पॉसिबल सर इज इट पॉसिबल डू यू कैन यू गेट अ गाय लाइक दैट इन रियल लाइफ नो यस यू कैन yeah that is one of the songs maine apni mom dad ko bhi tak nahi dikhaya hai because I don't know how they're going to respond to it yeah I've got an amazing response from everybody all the songs the trailer and everything so I just hope fingers crossed that
ऑलरेडी काफ़ी सारे थिएटर्स हाउसफुल हैं. सो आई एम जस्ट होपिंग दैट पीपल शुड लव द फिल्म नाउ. या जब से इंडिया में आया हुआ है, हॉलीवुड में सुनने बॉलीवुड में आया, अभी पॉलिटिक्स के और भी कहीं ना कहीं मुड़ गया और हर एक जगह पे हो रहा है, या क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, कितना सपोर्ट कर रहे हैं आप? Of course I support it. I 100% support it. It's a very serious thing that has happened. I wasn't expecting this to happen because itna zyada hota hai, you know, people, there are so many stories in there, nobody, okay, let me say this, people know what's happening, people are aware, there are a couple of things that happens in all the page three parties, everybody is smart, everybody knows. ये कैसा है वो, दे ऑल नो एवरीथिंग, बट दे डोंट वांट टू कम अप एंड स्पीक अबाउट इट. सो इन अ सर्टेन वे आई वुड से दैट आई एम ग्लैड इट्स हैपनिंग, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टोरीज, नॉट ऑल ऑफ देम, मोस्ट ऑफ द स्टोरीज आई फाउंड, आई थिंक इट्स बिलीवेबल. सो आई एम गोना सपोर्ट इट एज अ गर्ल, यस, बीइंग अ गर्ल, यस. मेरे साथ हम स्टार्ट में हुआ था, व्हेन आई एंटर्ड इन बॉलीवुड इंडस्ट्री, या यू नो आप उस दौरान मॉडल कोऑर्डिनेटर से मिलते हुए एंड ऑल दैट. सो आई रिमेंबर आई मेट दिस वन मॉडल कोऑर्डिनेटर एंड बिफोर माई किंग फिश आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दिस आई, या सो यू नो वट इन मॉडल आपको ये करना पड़ता है, एंड यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट. And I was in shock because I was what, 19 year old then, and I don't know if, I was like how did he just said that. And I remember even then maine bade pyar se us maashe ko bolta, unka naam nahi lungi, no, he's just a model coordinator, not a famous guy. So and I forgot his name right now, to be honest with you, but I remember I told him, you know, that police station 5 minute door hai, let's go for a walk. He freaked out and he left. So that's only thing that happened. But then I understood that it happens. Agar ye mere sath shuruaati daur mein hua tha, so it's very obvious that it happens. So that is the reason probably I find it a bit believable when somebody is saying it. Yeah. इसके अलावा मैं नीचे ये भी बोला कि कुछ जो एक्ट्रेस है वो बोल पहले ट्वीट्स पे ट्वीट करती है, उसके अंदर शांत हो गई है, ना मीडिया को बाइट देना है, ना किसी को कुछ बोल रही है, इसके पीछे क्या? Whom are you talking about? Well, probably she must be going through something, you know, that it's like everybody is after her and she's a normal person. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? If I would have been at her place, I would have probably done the same thing. So I would think in that way कि जब आप एकदम से इतना ज़्यादा आपके पीछे पूरे के पूरे लोग आ जाते हैं और सभी को जानना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, so probably you know she wants to avoid that. I would rather put it that way. Yeah, iske alawa Punam Panday jo kuch bhi celebrate karti hai, Diwali ho ya Ganpati ho, kuch special hota hai, is baar kya hai? Filhal to main the journey of karma celebrate kar rahi hu. Diwali ke plans, yaar, I'm very normal person, I celebrated with my family most of the time. Main pandit ghar se